मैं हूँ इस वक्त हनोई एयरपोर्ट के बाहर, आया हुआ था यहाँ पे चेक करने के लिए। बेसिकली यहाँ से ना एक सीधी बस चलती है, तो मैं उसी बस का वेट कर रहा था। ये बस आ गई हमारी, बस का नंबर है 86 और ये चलती है बनके डोमेस्टिक एयरपोर्ट से। तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट यहाँ से तकरीबन वो सामने है, होगा 1 किलोमीटर के अराउंड। भाई बहुत सही बस है यार ये तो। अब बताता हूँ उसमें हुआ क्या। जब भी रोड क्रॉस करो यहाँ पे तो बहुत सोच समझ के करना, देख के करना, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी वाले रोकते नहीं हैं। ये है हमारा हॉस्टल, नाम है बॉक्स होटल। इसकी मेन खास बात ये है कि ये जो है ना मेन लोकेशन पे ही है। इसकी जो खास बात है ना, ये नीचे मसाज पार्लर है और इसी या है। लोग निकलते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं। मैं हूँ इस वक्त हनोई एयरपोर्ट के बाहर, आया हुआ था यहाँ पे चेक करने के लिए। बेसिकली यहाँ से ना एक सीधी बस चलती है, तो मैं उसी बस का वेट कर रहा था। बस नंबर है 86। अगर आप लोग यहाँ हनोई एयरपोर्ट आ रहे हो तो यहाँ से आप चाहो तो बस से भी जा सकते हो। बस से किराया बहुत सस्ता है, और अगर टैक्सी करते हो यहाँ से तो मान के चलो जो हमारा ओल्ड क्वार्टर है ना, जो हमारा मेन एरिया है रहने के लिए, उसकी जो उसका जो फेयर है वो तकरीबन ना 3 लाख के आसपास है, यानी कि 1000 रुपये के करीब। तो अगर आपको लगता है कि काफ़ी महंगा है, जो कि महंगा है, लेकिन एयरपोर्ट से इतना बनता भी है यार। यहाँ से 20-21 किलोमीटर के अराउंड है यहाँ से। तो अगर आप चाहो तो बस से भी जा सकते हो। तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा अभी कि बस से अगर आप जाते हो तो कितने नंबर की बस है, कितना किराया है और बस कैसी है। अभी तक मैंने चेक करा था, पढ़ा था उसके बारे में, तो 86 नंबर बस है, और वो बस जो है वो सुपरफास्ट बस है। शायद ज़्यादा रुकती नहीं है, 3-4 स्टॉप पे जाएँ होटल, यहाँ से निकलेगी, एक जगह रुकेगी, फिर रुकेगी एनफू में, फिर रुकेगी ओल्ड क्वार्टर में, क्योंकि ओल्ड क्वार्टर तो आपको पता ही है मेन एरिया है रहने के लिए यहाँ पे। उसके बाद जाएगी सीधे रेलवे स्टेशन। तो मैंने रिव्यू चेक किए थे और काफ़ी सस्ती है। तो मैंने पढ़ा था अभी, उसका किराया दिखाया था 35,000 VND, यहाँ तकरीबन 100 रुपये के आसपास। कहाँ 3 लाख, कहाँ 35,000। तो आप लोग अगर चाहो तो जा सकते हो बस से भी। बाकी बस आने दो, मैं बैठता हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसी बस है। इसकी जो सर्विस है वो है हर 25 मिनट में। तो एक बस तो मेरे साथ में चली गई है अभी, 15 मिनट हो गए हैं गए हुए, तो उस पर तो बैठा नहीं मैं। और जो आपको बस मिलेगी, आप जब उतरोगे ना नीचे अराइवल, जब बाहर आओगे तो पिलर नंबर 2 है, पिलर नंबर 2 से ही बस मिलेगी आपको। ऐसा बताया था मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड ने कि यहीं से मिलेगी आपको। तो देखते हैं, वेट करते हैं बस का, आई होप अच्छी हो, क्योंकि किराया बहुत सस्ता है, 35,000 VND। बाकी देखते हैं कहाँ से आएगी, किधर जाएगी, बाकी आपको बताऊंगा आगे। ये बस आ गई हमारी, बस का नंबर है 86 और ये चलती है बनके डोमेस्टिक एयरपोर्ट से। तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट यहाँ से तकरीबन वो सामने है, होगा 1 किलोमीटर के अराउंड, तो वहाँ से चली है ये और यहाँ पर आके रुकी हुई है। और इसका जो स्टॉपेज है ये नीचे अराइवल है, यहाँ से आप बाहर निकलोगे तो ये पिलर नंबर है 2, सारी बसें यहीं पर रुकती हैं। अगर आपको ओल्ड क्वार्टर जाना है तो आप बस नंबर 86 पकड़ के ओल्ड क्वार्टर जा सकते हो इसलिए। आप चलते हैं अंदर। ये बस है और यहाँ पे ये लगेज रख दिया है, लगेज रखने का अलग से यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी सभी लोग बैठे हुए हैं और सामान यहाँ पर रख दिया है। आप चलते हैं, अपनी सीट भी घेर लेते हैं। ये रही मेरी सीट। भाई बहुत सही बस है यार ये तो। अब बताता हूँ उसमें हुआ क्या। बस वहाँ पे आ गई थी 4:50 पे। यहाँ पे रोड क्रॉस करना बहुत मुश्किल काम है यार, पता ही नहीं लगता है। एक तो इतना ट्रैफिक है यहाँ पे, बाइक तो आपको ऐसी मिलेंगी जैसे ना किसी ने फ्री में बांट रखी हो, यहाँ पे इतनी सारी बाइक है यहाँ पे। और जब भी रोड क्रॉस करो यहाँ पे तो बहुत सोच समझ के करना, देख के करना, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी वाले रोकते नहीं हैं। मेरे साथ नहीं हो चुका पहले ऐसा। अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो फिर आपको ही देखना पड़ेगा, गाड़ी वाला तो आपको देखेगा नहीं। अच्छा मैं कहाँ था, बस पे। हाँ
बस बहुत सही है यहाँ पे, बस वहाँ पे आ गई थी एयरपोर्ट पे 4:50 पे, और वहाँ पे रुकी थी 10 मिनट। 10 मिनट के बाद बस निकली वहाँ से, और यहाँ तक आने में लगे हैं टोटल 40 मिनट, यानी कि जो 20-22 किलोमीटर का सफ़र था वो हमने तय कर लिया 40 मिनट में। और सुपर फास्ट बस है, कहीं पर रुकती भी नहीं है। मेनली इसके 2-3 स्टैंड है, जो हमारा ओल्ड वाटर का स्टैंड है यहाँ पे रुकी है, तो यहाँ पे रुकी हुई थी, और इसके बाद रुकेगी ये सीधी जाएगी आपका रेलवे स्टेशन पे। और किराया था इसका टोटल 45,000 BNT। किसी ने कहा था कि 30,000 है, लेकिन 30,000 नहीं है, 45,000 BNT है। इंडियन करेंसी में आपके टोटल ये होते हैं तकरीबन 150 रुपये के आसपास, लेकिन फिर भी ठीक है। अगर आप 1-2 लोग आ रहे हो तो 150-300 में पहुँच जाओगे यहाँ पे। और टैक्सी बहुत महंगी है यहाँ पे, टैक्सी का किराया वहाँ से है तकरीबन 3,00,000 BNT के आसपास, 1,000-1,100 के बीच में। तो बस ठीक ठाक थी, अच्छी बस थी, वाईफाई भी लिखा हुआ था उसमें, लेकिन वाईफाई मिला नहीं, कनेक्ट नहीं हो रहा था वो। और मैं पहुँच चुका हूँ अभी अपना ओल्ड क्वार्टर में, और शाम का टाइम हो रखा है, तो आप देख सकते हो मेरे पीछे, यानी कि नाइट लाइफ जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है अभी। और हॉस्टल मैंने बुक कर लिया था, बस स्टैंड से हॉस्टल की तकरीबन दूरी है 700 मीटर के अराउंड, पैदल जाएंगे पहुँच जाएंगे 10 मिनट में। और चलता हूँ हॉस्टल भी दिखाता हूँ आप लोगों को। हॉस्टल के लिए मैंने पे करे हैं, मतलब मैंने पे नहीं करे हैं, मैंने ये करा था आपका पे ऑन प्रॉपर्टी लिया था, पे लेटर वाला ऑप्शन। तो जब मैं पहुँचूँगा अपने हॉस्टल में तब मैं उसको पे करूँगा। और जो बुकिंग मेरी हुई है वो हुई है तकरीबन 1,50,000 BNT में, यानी कि 500 रुपये में। तो जब से मैं यहाँ पर आया हुआ था वियतनाम में, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि मैं अपना जो है स्टे कर रहा हूँ हॉस्टल में। और अभी तक मैंने अपार्टमेंट ही लिए हुए थे, आप लोगों ने देखा भी होगा पुरानी वीडियोज़ में। तो चलते हैं, GPS लगाता हूँ, यहाँ से दिखा रहा है 500 मीटर की दूरी पे। पहुँचता हूँ हॉस्टल में, चेक इन करता हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगा कि हॉस्टल कैसा है, फिर निकलेंगे रात को पूरा नाइट लाइफ देखने के लिए। चलो देखता हूँ, फिर पहुँच के आपको दिखाता हूँ। जैसे ही शाम के 6 बजते हैं ना, यानी कि हल्का सा अंधेरा होता है, वैसे ही शहर की जो रंगत है वो निखर के बाहर आने लगती है। आप देख रहे हो मेरे पीछे ये साइड में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं लोकल फूड का, वो सारे खुल चुके हैं। जितनी दुकानें हैं ना ये साइड में, किसी चीज़ की दुकान हो, वो शाम को 5 बजे तक सारी बंद हो जाती हैं। उसके बाद जो है उन्हीं की दुकानों के बाहर लगती हैं लोकल फूड की दुकानें, जो आपके शाम को लेकर के रात के 12-1 बजे तक खुली रहती हैं। चलो शायद मेरा हॉस्टल भी आ गया है, आप लोगों को हॉस्टल दिखाता हूँ मैं, सामने ही है। ये है हमारा हॉस्टल, नाम है बॉक्स होटल। इसकी मेन खास बात ये है कि ये जो है ना मेन लोकेशन पे ही है, और ये तकरीबन 100 मीटर की दूरी पे होगा जो यहाँ की स्ट्रीट है, बियर स्ट्रीट है। चलते हैं चेक इन करते हैं, पहले देखते हैं क्या है बुकिंग। सो कैन आई सी माय पासपोर्ट? या व्हाट्स योर नेम सर? इसकी जो खास बात है ना, ये नीचे मसाज पार्लर है, और इसी फ्लॉर या फ्लॉर ओके, एंड दिस नंबर ऑफ योर बेड, थैंक यू, बेड नंबर एंड लॉकर। या लॉकर यू कैन सी इन द रूम, इफ यू सी लॉकर विद द की देयर यू कैन यूज, ओके, इट डोंट नीड टू द सेम नंबर विद योर बेड, इट कैन बी डिफरेंट। वेयर आई कैन पुट माय लगेज? या यू कैन पुट इट इन द लॉकर, यू कैन सी any locker have the key there. Okay. And you put your locker there. Okay. The number of the locker doesn't need the same number with the bed. Okay. The same number with the bed. Yes. Not same. Don't need the same. Same on. Yeah. Okay. I understand. Yeah. Thank you. We just left the key there, and so the guest when they check in, they win 2-1. Okay. It's all right. Easy. And when you check out, please leave the key there. Okay. Thank you. Yeah. ये होता है हॉस्टल का बस प्रॉब्लम कि थर्ड फ्लोर पे जो है रूम है और सीढ़ियाँ बहुत पतली पतली हैं, मतलब मैं फंस के आ रहा हूँ। आ गया है मेरा 1403। चलते हैं अंदर। ये है आपका वॉशरूम, स्लीपर शूज यहीं पे उतारने हैं, तो मैं अपना उतार देता हूँ यहीं पे। ये है अपना बेड, चलो ये अच्छा हुआ कि नीचे का ही मिल गया, 1403।
छोटा सा बेड होता है, चलो सामान रख देते हैं एक बार। अच्छा हॉस्टल में होता क्या है ना, बहुत से लोगों को पता होगा हॉस्टल क्या होता है, और जिनको नहीं पता उनको बताना चाहूँगा मैं। एक रूम होता है, जैसे ये रूम बना हुआ है, इसमें 5-6 कप जो बेड डाल देते हैं, जो डॉर्मेटरी बेड होते हैं ना, जैसे कि ये बेड है, ये ऊपर है, ये एक नीचे है। जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हो, एक वो है, एक नीचे है, तो नीचे वाला मेरा है, ऊपर वाला किसी और को मिल जाएगा। तो 5-6 लोग शेयरिंग में रहते हैं कि रूम में मिक्स होता है, और वाईफाई वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। बस कभी ये है कि आपकी प्राइवेसी नहीं है, प्राइवेसी के लिए अगर जब सो गए तो जो पर्दा दिया रखा है पर्दा नीचे कर दो और सो जाओ आराम से। सामान के लिए पीछे लॉकर दिए हुए हैं, ये अपना सामान इसमें डाल दो, लॉक कर दो और जाओ घूमने के लिए। बेसिकली सस्ता ही पड़ता है, इसीलिए अब समझो मैं 500 रुपये में यहाँ पर रह रहा हूँ, तो ठीक है यार, चीप है। हमने कौन सा प्राइवेसी करनी है, अकेला हूँ मैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। दिन भर घूमना है, रात को आ करके सोना है, सोने के लिए अपना ये है। चलो सामान पैक करता हूँ, फिर निकलता हूँ नाइट मार्केट स्ट्रीट करने देखने के लिए। कुछ दिखेगा आपको दिखाऊंगा, यहाँ के आज ट्राई करता हूँ लोकल फूड, यहाँ का सुना है बहुत टेस्टी होता है, तो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। भाई रात के 9 बज गए हैं और आप मेरे पीछे भीड़ देखो, ये अभी तो बड़े मुश्किल से निकल के आया हूँ मैं, निकलने की जगह भी नहीं थी। और इस स्ट्रीट का नाम है फेयर स्ट्रीट, हनोई ये मेन लोकेशन है। लोग निकलते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं। चलो आप चलते हैं, थोड़ा सा खाने पीने का इंतजाम करते हैं, देखता है आपको कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। लोकल फूड वगैरह थोड़ा सा ना खाने में अजीब सा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्या खिलाते, क्योंकि यहाँ पे ना नॉनवेज वगैरह ज़्यादा क्या मिलता ही मिलता है नॉनवेज वगैरह यहाँ पे, और सब कुछ मिलता है यहाँ पे। अगर आप इनको बोलोगे भी ना कि हमें वेजिटेरियन चाहिए तो ये बना के दे देंगे, लेकिन आपको पता नहीं कैसे बनाएंगे, बर्तन वही यूज़ करेंगे क्या नहीं करेंगे। अभी मुझे आदत नहीं है, देखता हूँ कल को आदत होगी तो फिर देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल जो है ढूंढते हैं यहाँ पे इंडियन फूड, या फिर कुछ ऐसा मिल जाए लोकल फूड में जो प्योर वेज हो और खाया जा सके। बड़ी भीड़ है यार आगे, आपको सामने दिखाता हूँ, आप सामने देखो बियर स्ट्रीट, ये आपकी बियर स्ट्रीट। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
space are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow.